हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज का जो ये प्रैंक है बड़ा ही धमाकेदार प्रैंक है और ये होने वाला है आपकी प्यारी बहन, आपकी प्यारी भाभी, आपकी प्यारी 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 शीतल पर। और इस प्रैंक को ना मैं इस हद तक लेके जाऊंगा ना कि उसका मैंने आज ना उसका मैंने बस मैं बता नहीं सकता कि उसको मैं कितना परेशान करने वाला हूँ। तो गाइस जल्दी से देखें इस प्रैंक को, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन आपके नजदीक है दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो। और इस प्रैंक को स्टार्ट करते हैं। किचन का माहौल क्रिएट हो चुका है, अब वो आएगी यहाँ पे खाना बनाने, उसके बाद चालू होगा ये धमाल। तो मिलते हैं। अरे खाना बन गया क्या? राइस बन गया, बस सब्जी गर्म करनी है मुझे। अच्छा सब्जी क्या बना रही हो? अरे पनीर की सब्जी है पड़ी हुई, वही बना ले रही हूँ, वही पे गर्म कर दूंगी। ओके। अरे यार मुझे ना कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो। वो देखो बड़ी सीरियस सी बात है, ठीक है? बुरा मत मानना इस बात का, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि हमारा बॉन्ड टूटे किसी भी बात को लेकर, कि रिलेशनशिप टूटे कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि हमारी बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे बस। मतलब? यार वो मेरी, तुम्हें याद है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके मैंने तुम्हें बताया था मेरी सगाई, उसकी सगाई हो गई है। याद है ना? एक्चुअली क्या हुआ कि यार उसका ना वो कह रही थी कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, और वो उसकी कंपनी उसने अपनी सगाई तोड़ दी है यार। तो समझ रही कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। मजाक में मैंने से किया मत करो। और तू भी ज्यादा नाम लेगी ना तो फिर मेरे दिमाग पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा उसके पास। मैं भाई जब बोलने आया था कि मैं निकल रहा हूँ खाना खा के, तो निकलना है और बैग पैक कर लिया मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ यार? काम कर रही हो फालतू की मस्ती? तू चिल्ला क्यों रही है किसी बात को? तू इंसान सदबुद्धि से भी सुन सकता है ना कि यार हमारा आपस में बॉन्ड नहीं बन रहा है, मैं थोड़ा टाइम का ब्रेक ले जाता हूं, जाता हूं चला जाता हूं उसके पास में। तो तुम्हें कब पता चला हमारा बॉन्ड नहीं बन रहा है? बॉन्ड नहीं बन रहा? अरे नहीं बन रहा यार, नहीं बन रही है ट्यूनिंग मेरे को, बात बॉन्ड की भी नहीं है, मेरे को जाना है यार उसके बाद। तू समझने की कोशिश कर, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। उसने अपनी सगाई तक तोड़ दी मेरे लिए यार, और मैंने तेरे को पहले बोला था यार कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना? और तुझे पता ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, और मेरे को प्यार उससे एक बार हो चुका था बस, और ये बात मैं तुझे बोली भी थी पहले भी। दूसरी बार मैं कौन हूँ? तू है, ऐसा नहीं है तू नहीं है, तू भी है। तू तेरे शादी की है मैंने, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अब नहीं रह पा रहा हूँ तेरे साथ में यार, तू समझा कर। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तेरे से डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे से अलग होना है, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं एक दो डेढ़ दो साल उसके साथ बिताता हूँ, मैं समझ लूँ उसकी उसके एक डेढ़ दो साल मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिता कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक। तुम पागल हो क्या? क्या पागल वाली क्या बात करती है? चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात है भाई, तुम मेरे से ये फालतू की मस्ती मत करो प्लीज। धीरे बोलो भाई, आजू बाजू लोग क्या पागल वाली बात कर रही हो यार? मालूम नहीं क्या होता। पागल वाली बात ना तुम कर रहे हो यार। मैंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे क्या पागल दिख रहा हूँ? ऐसे मेरे सीन लगे हुए हैं जो मैं पागल वाली बात करूंगा? हैं, लड़खड़ा रही है मेरी जुबान, हैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मन नहीं लग रहा उसके बिना, मुझे जाना है यार, मुझे याद आ रही है उसकी। अब क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं, सच बता रही और हंसना मत मेरे ऊपर। झगड़ना है, लड़ना है, नहीं रहना, मेरे साथ मत रहो, तुम्हें निकलना है, तुम चले जाओ, फिर मैं तो जाता हूँ भाई, तुम देख लो अपना क्या करना है आगे का, इसका पैसा वैसा कैसे मैनेज करना है, तुम अपना देख लो कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं तो अब मेरे से नहीं हो पा रहा यार अभी। और ये रख दो भाई, मारो ये फेंक के, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये रख दो भाई, चाहे चिंता उल्टा चल जाए मेरे ऊपर। नहीं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता है कि मैं जा रहा हूँ? तुम अपना देख लो यार, शादी इसलिए कह रहे हो मुझसे? अरे क्या है शादी वादी, ठीक है ना, चिल करना यार लाइफ में, शादी वादी क्या? तुम मेरी बात को समझो, इधर यार प्लीज, मैं समझा रहा हूँ ना, इधर मेरी बात, मैं खुद को मार लूंगी, फालतू बातें नहीं। अरे खुद को मार, मैं मार लूंगी,
मैं बोल भी मार लूंगी। खुद को मारने से क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा क्या? सॉल्यूशन बात से निकलता है, बातचीत से हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है भाई। तो समझने की कोशिश करो कि मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है ना। मैंने से क्या कमी रखी जो तुमको? मैं कोई कमी नहीं रखी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है, मेरे को जाना है। उसने अपनी सगाई तोड़ दी यार, लेकिन तू समझ रही है इस चीज को समझ रही है तू? वो पागल हो रही है मेरे लिए, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, मुझे जाना है उसके पास। उसके 50-60 कॉल आ चुके हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं उसको कि मैं नहीं आ रहा? उसने सब कुछ कर लिया है मेरे लिए यार, सब कुछ कर लिया। हाँ, जितना मैंने किया उतना कर लिया। तूने तो शादी की बात किया, शादी से पहले से करती आ रही है वो तो हमारी शादी से पहले से करती आ रही है। जब इतना ही करती आ रही थी, तुमने मुझसे क्यों शादी की? अरे ठीक है ना, जब मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था, तू मेरी लाइफ में आ गई, तो मुझे, मैं ठीक है, छोटा था उम्र में, नहीं समझ में आई, बचकानी हरकत थी, कर ली शादी, बच्चा था मैं। पता है बचकानी हरकत, अब बातें कर रहे हो तो। अरे यार तुम ना बस बड़ी अनमेच्योर बात करती हो कभी कभी। मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे जाना है तो मुझे जाना है यार, खत्म हो गई ना बात, समझो ना यार, जो फीलिंग तो समझो, अंदर से निकल रही है वो चीज जाने के लिए, मतलब पागल हो रहा हूँ मैं यार, समझो इस चीज को। घर वालों को बुलाओ। किसके घर वालों को? तुम्हारे घर वालों को। अब मेरे घर वालों को क्या, यहाँ 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से मैं कुछ नहीं जानती, लंदन से भी बुलाओ। अरे भाई काम करो, मैं चला जाता हूँ, आराम से मेरे घर वालों से बैठ के मीटिंग कर लेना, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, बस ये क्लियर है बात। तुम्हें मेरे बाप को बुलाना है बुला लो, मेरी माँ को बुलाना है बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड, मैं खुद को मार लूंगी, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगर तुम्हें पैसे की भी दिक्कत है तो वो भी मैं पूरा करूंगा। मैं भिखारी दिख रही हूँ तुम्हें? भिखारी हूँ मैं? मेरी पूरी लाइफ खराब करके अब ये कह रहे हो कि तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी है, रहना है उसके साथ? शादी की बात कहाँ, रहना है? शादी कौन करने जा रहा है? शादी थोड़ी करने जा रहा हूँ मैं, तो बस जा रहा हूँ उसके पास। शादी वादी ठीक है, बाद में अगर समझ में आएगा तो हम सारे मिलकर रह लेंगे साथ में, आपस में एक साथ रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, समझना, समझने की कोशिश करना यार। मुझे फालतू के मजाक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मेरे साथ ये सब मत करो यार। अरे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है अभी। तो मजाक कर रहा हूँ क्या? मुझे ट्रस्ट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम तो मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, मजाक क्यों करूंगा मैं? I'm not feeling well. तुम पानी पी लो, पानी दे दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुमको पानी पिलाता हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी पी लूँ, लो पानी पियो, बस पानी पियो, एक मिनट। हाँ पानी पी लो, पानी पियो, तो टेंशन मत लो, मैं सब सॉर्ट कर दूंगा, मेरे को जाने दो अभी, मैं जाता हूँ वहां पे थोड़े दिन रहता हूँ, उसके बाद फिर सारा मामला सॉर्ट कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो यार, कोई मेरा वेट कर रहा है, वेट कर रही है वो मेरा यार, ऐसा ना हो कि वो भी हाथ से निकल जाए, समझ रही है तू? निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बहुत प्यार किया मुझसे और मैंने भी। अब रो मत यार, तुम रोना धोना मत चालू कर दिया करो, हेलो तुमसे कह रहा हूँ भाई। अरे क्या नाम है तुम्हारा? हेलो हेलो शीतल, नाम भी भूल गया मैं, शीतल। अच्छा सुनो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हटो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे क्या हो गया यार, तुम फिर रोने लगी? अरे यार तुम तो यार बहुत करती हो रोना धोना यार, रोना धोना ठीक नहीं है ज़्यादा जिंदगी में, ये एक मजाक था, ये एक प्रैंक था, ये एक प्रैंक था, तुम्हें पता नहीं है कि मैं ये मजाक कहीं हो सकता, इस तरह की घटिया मजाक मेरे साथ मत करना दोबारा, अपने आप को पीट के मत करना, तो पागल है मेरे साथ
दोबारा ऐसा मजाक नहीं करना। अरे क्या हो गया भाई? नहीं, ये बात टॉलरेट करने वाले नहीं। अच्छा तुम इतना ओवर क्यों कर रही हो, हाइपर क्यों हो रही हो यार? लग गई ना देखो तो चोट लग गई यार। अब मैं ये सब करूंगी ना तो फिर मैं कभी फिर कुछ मजाक नहीं करूंगा हमारे साथ। मैं फिर ठीक है ना ऐसे करूंगी यार। गलत बात है, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, दैट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड यार। देखो ना यार, तुम तो छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे बात यार। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, मैं प्रैंक कर रहा था यार। इसमें यार इतना ऐसा करने वाली क्या बात थी? देखो लग गई, मुझे पता था कि ये मजाक है, लेकिन तुमने मुझे बताया था ये प्रैंक कर रहे हो। अरे नहीं मुझे तो सच ही लग रहा है यार, यार अपने आप को क्यों मार रही थी यार? गाइस दिस इज रियली यू नो गॉन अ बॉस थिंग। आई एम रियली सॉरी टू हर एंड आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू ऑल टू ऑल्सो, बट क्या करूँ मैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपकी फैमिली हर्ट हो, या फिर आपके माँ बाप हर्ट हो, या फिर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो। अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।